सुहागिन महिलाओं को हर वर्ष करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं राजधानी शिमला में सामाजिक संस्था मैत्री द्वारा प्री करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में रंग बिरंगे परिधानों में सजसंवर कर पहुंची महिलाओं ने खूब नृत्य किया और कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर मैत्री संस्था की अध्यक्ष ममता गोयल ने सभी महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष करवा चौथ से पहले इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें महिलाएं सज संवर के आती हैं और नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर करती है। वहीं इस दौरान ममता गोयल ने मैत्री संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा सारा करवा चौथ का फंक्शन मनाया जा रहा है, प्री करवा चौथ मना रही है सभी लेडीज, अपनी सभी लेडीज सज धस के आई हुई हैं, बहुत खुशियां मना रही हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपनी मैत्री संस्था की ओर से सभी अपनी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। उनके जीवन में ऐसी खुशियां भरी रहे और इसी तरीके से हर वर्ष वह करवा चौथ का त्यौहार खुशी खुशी मनाती है। हमारी एक्चुअली मैत्री संस्था की जो मेन हमारा मोटिव है वो सोशल सर्विस से हमारा रिलेटेड है। हम नीडी पर्संस की हेल्प करते हैं संस्था, जैसा कि हमारा समय समय पर गरीब जरूरतमंद लड़कियों की शादियां करवानी, उनको शिक्षा के बारे में उनको ड्रेसेस बुक्स वगैरह देनी और बाल विकास बच्चों के विकास के लिए हम काम करती हैं। संस्था हमारी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, एनवायरमेंट में काम कर रही है हमारी संस्था। अभी रिसेंटली हमने हमारी संस्था की 30 महिलाओं ने अपना अंगदान दिए हैं पूरे के पूरे, इसमें डोनेट किया है, इनके डोनर कार्ड भी तैयार हैं सबके। इसके अलावा हमारी संस्था का जो महत्वपूर्ण अभी इस टाइम प्रोजेक्ट है हमारा टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करना है हमारी संस्था का। हमने 158 पेशेंट शिमला शहरी हैं सारे, उनको हमने अभी हमारी संस्था ने अडॉप्ट कर लिया, तो उनके हम खाने पीने का, उनका न्यूट्रिशन का, उनकी हेल्थ का पूरा हमारी संस्था की तरफ से ध्यान रखा जाएगा। और आगे भी हमारे ऐसे ही हमारा प्रत्येक मंथ एक ना एक प्रोजेक्ट रहता है हमारी संस्था का, ऐसे ही आगे भी हमारी संस्था जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती रहती है।